हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रोकैरियोट्स में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखा। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स में डीएनए के रेप्लिकेशन को ब्रीफ में देखेंगे। हम जानते हैं कि सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड करते हैं और ये आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए ऑब्टेन करते हैं। ये पॉसिबल होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के द्वारा, जो कि अकर होता है सेल साइकिल के एस फेज में। सेल साइकिल के बारे में हमने सेपरेट वीडियो में चर्चा की है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से कई डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं और यह प्रोसेस एंजाइम्स के द्वारा कैटलाइज्ड होता है या फिर इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन एक सीक्वेंस में होता है या फिर इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो इस तरह से है, इनिशिएशन फॉलोड बाय इलोंगेशन फॉलोड बाय टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम सर्कुलर होते हैं और ये लेस कॉइल्ड होते हैं। आइए हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन बिगिन होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में। कुछ प्रोटीन्स इस ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके साथ बाइंड करते हैं और इसकी वजह से ओरिजिन पर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम लोड होता है जो कि डीएनए की फर्दर अनवाइंडिंग करता है। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि ऑब्टेन होता है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। और डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के अनवाइंडिंग से वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। तो जब रेप्लिकेशन फोर्क प्रोसीड होता है या डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो इसकी वजह से दो स्ट्रैंड्स की ओवरवाइंडिंग हो जाती है या फिर सुपर कॉइलिंग होती है। इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में रीवाइंड करके डबल हेलिक्स बना सकते हैं। इसी वजह से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कोट करके उनके रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं। फिर आरएनए प्राइमेज डीएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करके। उसके बाद आरएनए प्राइमेज रिप्लेस हो जाता है और डीएनए पॉलीमरेज 3 इस आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 स्वयं डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता है क्योंकि ये आरएनए प्राइमर में ही बनाता है। क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं इसलिए वे स्ट्रैंड जो कि 3-5 पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनकी सिंथेसिस कंटिन्यूसली होती है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो स्ट्रैंड 5-3 के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उनकी सिंथेसिस डिसकंटिन्यूसली होती है जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में सिंथेसाइज होते हैं जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं और हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए अलग प्राइमर की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच जो गैप होते हैं उसे डीएनए लाइगेज सील करता है और इस तरह से सारे फ्रेगमेंट ज्वाइन करके डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड बनाता है। जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट कर जाता है। और जब डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो कि सेल डिवीजन से ऑब्टेन दो डॉटर सेल्स में मूव करते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन वेल स्टडीड है। इसका कारण यह है कि प्रोकैरियोट्स के जीनोम का साइज छोटा होता है और उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरियंट्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल है ईकोलाई। अब प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? ये डीएनए के डुप्लीकेशन का प्रोसेस है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं,
इस तरह से डॉटर सेल्स डीएनए के एग्जैक्ट कॉपी को रिसीव करते हैं। यह सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है क्योंकि हर डीएनए मॉलिक्यूल जो ऑब्टेन होते हैं उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। इस तरह से डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड कंजर्व्ड होता है, इसलिए हम इसे सेमी कंजर्वेटिव या हाफ कंजर्व्ड मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन फंडामेंटल जेनेटिक प्रोसेस है, तो इसमें नए डीएनए मॉलिक्यूल जो कि लाइफ के लिए क्रूशियल होते हैं वे जेनरेट होते हैं और इसके वजह से एंटायर जेनोम नेक्स्ट जेनरेशन के लिए कंजर्व्ड होते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन के कुछ फीचर्स इस तरह से है, ये बाईडायरेक्शनल होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है और इसमें साइट ऑफ रेप्लिकेशन है सेल साइटोप्लाज्म, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। इसमें एक स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है जिसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। आइए हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम या प्रोटीन के स्पेसिफिक फंक्शंस को देखते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करके न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए से इसे रिप्लेस करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 रिपेयर फंक्शन परफॉर्म करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये 5-3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है और इस तरह से न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड का इलोंगेशन करता है। हेलिकेज ये डीएनए हेलिक्स को ओपन करता है या अनवाइंड करता है जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लाइगेज यह ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच के गैप को सील करता है। प्राइमेज यह आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करता है जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। स्लाइडिंग क्लैंप यह डीएनए पॉलीमरेज को उनके प्लेस पे होल्ड करने में हेल्प करता है जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। टोपोआइसोमरेज डीएनए में जो स्ट्रेस होता है उसे रिलीव करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डीएनए के जब दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तो उनकी ओवरवाइंडिंग हो जाती है, सुपरकॉइलिंग हो जाती है, जिसे कि टोपोआइसोमरेज रिमूव करता है या रिलीव करता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन या डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करके उनके रीवाइंडिंग को अवॉइड करता है। डीएनए रिपेयर डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये सभी डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी होती है 3-5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में डीएनए पॉलीमरेज इनकरेक्ट बेस को रिकग्नाइज करते हैं, उसके बाद फिर इसे एक्साइज करते हैं। इसके लिए ये 3-5 डायरेक्शन में पीछे जाते हैं और इनकरेक्ट बेस को रिमूव करते हैं, उसके पश्चात फिर करेक्ट बेस को रीइंसर्ट करते हैं और इस तरह से ये डीएनए का रिपेयर करते हैं। आइए हम प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को इस डायग्राम से समझते हैं। ये है डीएनए के पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को सर्टेन प्रोटीन रिकग्नाइज करके उसके साथ बाइंड करते हैं। तो जब सर्टेन प्रोटीन इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बाइंड करते हैं तो डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से इस पॉइंट पे सेपरेट होते हैं और इस तरह से ओरिजिन पे डीएनए के स्ट्रैंड के सेपरेशन के बाद इनके फर्दर अनवाइंडिंग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीएनए हेलिकेज लोड किए जाते हैं जो कि फर्दर डीएनए के स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग करती है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, और इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के हाइड्रोलिसिस के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं और इस तरह से वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कि हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। अब आरएनए प्राइमेज प्राइमर की सिंथेसिस करता है जो कि नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 लोड होता है जो कि 5-3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके नए स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइमर नहीं बना सकता है, इसलिए आरएनए प्राइमेज प्राइमर की सिंथेसिस करता है। अब वो स्ट्रैंड
जो कि 3-5- पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है, जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा स्ट्रैंड जो कि 5-3 के कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में। इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इस प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करके इसे न्यूली सिंथेसाइज डीएनए से रिप्लेस कर देता है। एक बार जब प्राइमर रिप्लेस्ड हो जाता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच जो गैप होता है उसे डीएनए लाइगेज एंजाइम सील कर देता है और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइन करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड बना देते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन होते हैं जो कि एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।